इस मॉड्यूल में हमने मूर्ति परंपरा पर चर्चा की शुरुआत की थी और मूर्ति परंपरा पे अनेकानेक प्रश्न बनते हैं। मूर्तियों में जैसा हम पढ़िया हैं, दो तरह की हैं, एक तो त्रियामी स्वतंत्र मूर्तियाँ, मथुरा कला गांधार कला की मूर्तियाँ जिसके नमूने हैं, इसके अतिरिक्त रेलीफ आर्ट या जो दीवारों पर उभरी हुई मूर्तियाँ हैं वो बहुत ही लोकप्रिय कला माध्यम है भारत में और उन पर बहुत सारे प्रश्न बना करते हैं। जैसे कि विभिन्न मंदिरों और गुहा मंदिरों इत्यादि में या चैत्यों में या स्तूपों की दीवारों पर रेलिंग्स पे जो हमें रेलीफ आर्ट के नमूने मिले हैं जिनमें कथा का प्रदर्शन भी है, तो उन पे कई बार प्रश्न पूछ ले जाते हैं। और अक्सर एक प्रश्न होता है कि सुमेलित कीजिए, उसमें आपसे पूछ सकते हैं नलगिरी समर्पण, रावण अनुग्रह, ये गंगा अवतरण भी हो सकता है बड़ा ही फेमस, या जेतवंदान, मायावती का स्वप्न, मायावती नहीं सॉरी माया देवी का स्वप्न, और फिर हमें इधर वो स्थल दिए जा सकते हैं जहाँ पर ये मिली हैं उनको सुमेलित करना हो सकता है। नलगिरी समर्पण हम जैसे जानते हैं कि अमरावती स्तूप से लिया गया है, अमरावती स्तूप की रेलिंग के ऊपर ये एक हाथी के समर्पण की कथा रेलीफ आर्ट के माध्यम से दिखाई गई है। ये दोनों रेलीफ आर्ट गंगा के उतरने का और रावण अनुग्रह का जो है महाबलीपुरम के जो पांड्यकालीन माफ़ कीजिएगा महाबलीपुरम के जो पल्लवकालीन गुहा मंदिर है उनसे लिया गया है। जेतवनदान बरहूत की रेलिंग से लिया गया है, मायावती का स्वप्न सांची में है। तो इस तरीके से ये सुमिलित करने के लिए आ सकते हैं, इनको उल्टा यानी घुमा के दे सकता है, या इस तरफ जो है स्थल दिए जा सकते हैं और इस तरफ जो है वो जो रेलीफ आर्ट के नमूने दिए जा सकते हैं। इसी संदर्भ में हमने मौर्य कला का भी अध्ययन किया, तो मौर्य कला में हम जानते हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं अशोक के स्तंभ पे बहुत सारे सवाल आते हैं। एक सवाल बड़ा लोकप्रिय है, हमें किस स्तंभ से हाथी की मूर्ति बरामद हुई है या प्राप्त हुई है, तो संकिसा स्तंभ से। हमें ये पता होना चाहिए किस स्तंभ से क्या मिला है, जो संकिसा का स्तंभ है उससे हाथी उसके ऊपर क्या बना हुआ है, जो पेडेस्टल है या जो चौकी है उसके ऊपर हाथी बना हुआ है। सारनाथ के स्तंभ से जो चतुर्मुख सिंह है वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ये हम जानते हैं। तो ये प्रश्न हालांकि ये बहुत ही कॉमन सा तथ्य है कि हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह किस स्तंभ से लिया गया, तो वह सारनाथ का है। अशोक संके का जो मौर्यकालीन कला है उसमें दो मूर्तियाँ बड़ी लोकप्रिय हैं, उनमें से एक दीदारगंज यक्षिणी की है मूर्ति। तो दीदारगंज यक्षिणी की मूर्ति किस कालखंड की है, ये प्रश्न होता है, तो मौर्य कालखंड की है। या दीदारगंज यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये पटना से प्राप्त हुई है। यह दीदारगंज उस जगह का नाम है पटना के निकट, या पटना शहर में ही आजकल, तो यह प्रश्न भी हो सकता है। एक दूसरी जो पाषाण मूर्ति मिली है उसको जाक बाबा या पारखम यक्ष कहा जाता है, तो यह प्रश्न भी अक्सर आता है। यह आगरा से प्राप्त हुई है। स्तंभों में किस पत्थर का इस्तेमाल किया गया है अशोक के, तो चुनार पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से जो इस मॉड्यूल में प्रश्न बनते हैं वो अशोक के स्तंभों पे बन सकते हैं या मौर्यकालीन जो मूर्ति उन पर बन सकते हैं। तीन जो बड़ी मूर्ति परंपरा है उनको देखा है, गांधार मथुरा और जो है सारनाथ मूर्तिकला, तो उन पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। हमें गांधार और मथुरा कला के खासतौर से विशेषताओं को ध्यान में रखना हो सकता होगा कि जैसे ये प्रश्न हो सकता है कि दो परंपराओं के सम्मिश्रण से जो मूर्ति परंपरा की शुरुआत हुई कौन सी है, तो गांधार है। या कुषाण वंश की मूर्तियाँ किस कला परंपरा में बनी, तो वह गांधार है। या कुषाण वंश की माफ़ कीजिएगा ये प्रश्न एक चीज़ गलत होगी, कुषाण वंश की जो मूर्तियाँ हैं वो गांधार परंपरा में नहीं बनी, ये विद्यार्थियों का खास ध्यान रखना चाहिए। हालांकि जो कुषाण वंश था वो गांधार मूर्ति परंपरा का संरक्षक था, परंतु जो कुषाण वंश की मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई हैं वह मथुरा कला की मूर्ति की मूर्तियां,
तो ये कुषाण है, ये हमें ध्यान रखना आवश्यक है। ये प्रश्न भी हो सकता है कि माट गांव से किस शासक वंश की मूर्तियां मिली हैं, कुषाण से। प्रश्न यह भी हो सकता है कि कुषाण वंश की, क्योंकि ये भी एक भ्रमित करने वाला प्रश्न है। हम जानते हैं कि कुषाणों का जो केंद्र था, राजनीतिक केंद्र था, वो है उत्तर पश्चिम भारत था। एक प्रश्न हो सकता है कि वेयर वी फाइंड द स्टेचूज ऑफ कुषाण डायनेस्टी, तो इसमें पेशावर, तक्षशिला, कंधार और चौथा मथुरा। कुषाण वंश की सामान्य जानकारी रखने वाला अभ्यर्थी पेशावर, खासतौर से तक्षशिला और कंधार से भ्रमित हो सकता है, क्योंकि उनका वो राजनीतिक केंद्र था, परंतु उनकी मूर्तियां मथुरा के पास माट नामक गांव से मिली हैं और वो मथुरा कला का उदाहरण है। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मथुरा कला में या लाल बलुए पत्थर का प्रयोग किस कला परंपरा में हुआ है, तो वो मथुरा कला परंपरा है जिसमें लाल बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया है। मूर्तियों के संदर्भ में जो आयागपट्ट की हम बात करके आए हैं, तो किस परंपरा में आयागपट्ट का प्रश्न हुआ, किस धार्मिक परंपरा में, तो जैन जो मूर्ति परंपरा है उसमें आयागपट्ट यानी चौकी का इस्तेमाल मूर्ति के नीचे को रखने के लिए किया गया है, या चौकी पर ऊपर निर्मित मूर्तियां मिली हैं, जो चौकी जिसे आयागपट्ट कहा गया है, तो यह भी प्रश्न आ सकता है। फिर एक सामान्य प्रश्न जो है, वो जो पूरी कला पे देखें हम, तो वही सुमिलित करने वाला या इस तरह के प्रश्न अक्सर आते हैं, उसमें आपको कला के संदर्भ में कतिपय क्षेत्र दे सकते हैं, एलिफेंटा, खजुराहो, एलोरा, मदुरई। अब हम इनको इतना पढ़िया है, एलिफेंटा हिंदू मूर्ति, खजुराहो नागर शैली, ये एलोरा एकाश्मक मंदिर मोनोलिथिक, मदुरई द्रविड़ शैली। तो इस तरह के प्रश्न जो है मोटे तौर पे पूरी कला परंपरा के ऊपर बनते हैं।